फॉर्मूला वन रेसिंग में आपने ड्राइवर्स को कई बार अपने इंजीनियर से कर्स या DRS के बारे में बात करते हुए सुना होगा। ड्राइवर्स मोस्ट ऑफन टीम मीटिंग या स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेशन में कर्स और DRS को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। तो क्या है कर्स और DRS और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला वन में? ड्राइवर्स इसे रेस का क्रूशियल पार्ट क्यों मानते हैं? DRS पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके देख सकते हैं। पर कर्स क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सो गाड़ी को ग्रिड पे लगाते हैं और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। F1 कार्स वर्ल्ड की सबसे तेज कार होती हैं, जिनकी टॉप स्पीड लगभग 375 किलोमीटर पर घंटा या फिर 233 माइल तक जा सकती है। बट इस टॉप स्पीड को एक्वायर करने के लिए F1 कार्स सिर्फ कार्स इंजन पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि दो और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करती हैं, कर्स और DRS। ड्राइवर रेस के टाइम कर्स और DRS का यूज़ कई चीज़ों के लिए करता है, जैसे ओवरटेक करने के लिए, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए या क्वालिफाइंग में लैप टाइम को इम्प्रूव करने के लिए। इसका यूज़ रेस के स्टार्ट में एक्सेलरेशन से एडवांटेज लेने के लिए भी किया जाता है। स्पीड को दो तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, पहला गाड़ी की पावर को बढ़ा के और दूसरा गाड़ी पे लगने वाले ड्रैग को रिड्यूस करके। तो गाड़ी पे ड्रैग रिड्यूस कैसे होता है, तो वहाँ DRS आता है। DRS के बारे में जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि F1 कार को एक्स्ट्रा बूस्ट कैसे मिलता है और ये एक्स्ट्रा पावर कहाँ से आती है और इसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है। काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम और कर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ F1 कार्स में एक्स्ट्रा स्पीड बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। ये टेक्नोलॉजी 2009 में फार्मूला 1 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी और 2014 से इसका एडवांस वर्जन ERSK यानी कि एनर्जी रिकवरी सिस्टम काइनेटिक यूज़ होता चला आ रहा है। F1 इंजीनियर्स इस टेक की हेल्प से कार की काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करके उसको एडिशनल पावर प्रोवाइड करने में यूज़ करते हैं। इसके इन्वेंशन के बाद से इसका यूज़ कई बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी भी करती हैं, जैसे मर्स, BMW, फरारी, रेनॉल्ट इत्यादि। 200 माइल्स पर आवर के स्पीड पे जब कार चलती है तो उसकी वजह से कार में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पर इसका बहुत बड़ा पार्ट कार्स के ब्रेक लगने पे उसमें हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। तो इस वेस्ट एनर्जी को रिकवर करने के सिस्टम को हम लोग कर्स कहते हैं। ड्राइवर रेस के टाइम लैप टर्न्स में ब्रेक लगाते हैं तो ये सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरीज में स्टोर कर देता है। ये बैटरीज कार्स के मोटर को एडिशनल BHP यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर प्रोवाइड करती हैं। इस पावर बूस्ट से कार को एक्सेलरेशन मिलती है जो एक्स्ट्रा स्पीड प्रोवाइड करती हैं। इसी को थोड़ा टेक्निकल डेप्थ में ले चलते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, जितना पहले बता चुका हूँ उतना सफिशियंट है। ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। ड्राइवर के ब्रेक लगाने पर कार्स के फ्रंट व्हील पे लगे मोटर को रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो फ्लाई व्हील से कनेक्टेड रहता है। ये फ्लाई व्हील एज जनरेटर काम करता है और इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बैटरी में स्टोर कर देता है। ड्राइवर्स के बटन दबाने से ये स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कार के रियर व्हील से जुड़े मोटर को पावर बूस्ट प्रोवाइड करता है। इस एक्स्ट्रा BHP की हेल्प से कार को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। कर्स की कैपेसिटी 400 किलो जूल तक की एनर्जी स्टोर करने की होती है। ये सिस्टम एक बार में 80 BHP का बूस्ट मात्र 6.67 सेकंड पर लैप में दे देता है। कर्स का यूज सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन में लैप टाइम इम्प्रूव करने में होता है। आज की F1 कार्स कर्स की जगह ERS एनर्जी रिकवरी सिस्टम का यूज़ करती हैं, जो कि कर्स का ही एडवांस वर्जन होता है। ये कर्स को नेक्स्ट लेवल पर ले आता है और ये कर्स से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें कर्स के एक मोटर जनरेटर की जगह दो मोटर जनरेटर लगे होते हैं, MGUK मोटर जनरेटर यूनिट काइनेटिक और MGUH मोटर जनरेटर यूनिट हीट। इसमें एडवांस कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ERS का यूज़ एक प्री सेट इंजन मैप्स के अकॉर्डिंग कर सकता है। मतलब ERS कब, कहां और कैसे यूज़ करें ड्राइवर नहीं, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिसाइड करते हैं। CE कार्स की ERS को बेस्ट पॉसिबल वे में स्टोर और उसके यूज़ करके कार्स की पीक परफॉर्मेंस अचीव करता है। ERS
पिछले कर्स के मुकाबले 120 किलोवाट की पावर यानी कि 160 bhp की पावर प्रोवाइड करता है और वो भी 30 सेकंड पर लैप के लिए। आई होप आपको कर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप अब हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपकी क्या राय है वो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, गाड़ी चलाते समय ट्रैक लिमिट्स का पालन करें और असल जीवन में ओवर स्पीडिंग या ट्रैक लिमिट एक्सीड ना करें, क्योंकि F1 रेसिंग में तो सिर्फ लैप टाइम ही डिलीट होता है, पर यहाँ असल जीवन में बहुत कुछ डिलीट हो सकता है। धन्यवाद।